प्रोटीन से क्या किसी की डेथ होती है? सो हे गाइस, दिस इज नादिर अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन ब्रदर्स। सो गाइस, आज मैं फिर से कदीर भाई की जिम पे आया था, बॉडी मैकेनिकल की, जिसके मैंने वीडियो पहले डाला था। एंड में आपको फिर से वो लिंक मिल जाएगा, अगर आपको देखना है, प्रोटीन के बारे में जानना है, जिम के बारे में जानना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अभी मैं आया हूँ कुछ एक स्पेशल चीज़ के लिए। जैसे कि इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेशल होती है, तो रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था प्रोटीन को लेकर हमारे एरिया में, तो मैं आया हूँ जस्ट उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, कि प्रोटीन के लिए। तो आप लोग देखो, प्रोटीन की अगर नॉलेज चाहिए तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। अभी तक देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ आने वाले वीडियो के लिए। सो गाइज, देखो ये नाइट व्यू है, सब बंद होने के बाद में तो क्या कूल लगता है यहाँ पर। ये लाइटिंग है, एक नंबर दिखता है भाई, और सबसे मस्त एकदम ये लगता है। देखो यहाँ पर कदीर भाई की बॉडी एक नंबर दिखती है, और ये तो भाई जिम की जान है। ये देख के सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं पब्लिक, यहाँ पर आते एक ये है सबसे मोटिवेशन देख के, और दूसरा कदीर भाई का फोटो है यहाँ पर। ये देखो, एक ये है, एक इससे भी मोटिवेट होते हैं। और कदीर भाई का मतलब ब्रांडिंग तो अच्छी है, और जिम भी बहुत काफ़ी अच्छा है। नाइट व्यू मैंने दिखाया नहीं था इससे पहले कभी, तो मैं अभी दिखा रहा था कि ये बंद करते हैं तो जब ऐसा दिखता है विदाउट लाइट पे एकदम अच्छा, एकदम क्लियर, कोई नहीं है जिम पे। देखो आप, बहुत 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 क्लास है, बहुत बड़ी स्पेस है एक्चुअली यहाँ पर जिम करने के लिए। बहुत एक टाइम पे मेरे को लगता है 30-40 लोग आराम से कर सकते हैं। लेडीज़ का चेंजिंग रूम अलग है और जेंट्स का चेंजिंग रूम अलग है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग चेंजिंग रूम है, ये बताना था मेरे को। और यहाँ पर स्पेशली जिम पे देखो, पानी के लिए भी एकदम मस्त है, आपको सब तरीके का पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी सब है यहाँ पर। और प्रोटीन का सेक्शन देखो, उधर है प्रोटीन सेक्शन, ये रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पर किक बॉक्सिंग, डबल बार, कार्डियो सेक्शन और डंबल्स सब है, सब क्या क्या बताऊं मैं। ये चीज़ देखो सबसे अच्छी है कि जिम के अंदर कैमरे है हर जगह पर, सो यहाँ पर सेफ्टी का ख्याल भी रखते हैं, और कुछ इंसिडेंट होता है तो देखने के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं कदीर भाई आने के बाद में, उसको मोनिटाइज जो भी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है वो भी करते हैं। और सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी था तो ये जिम पर ये भी है कदीर भाई की, सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। और ये प्रोटीन और वही कदीर भाई का जो है मेडल है यहाँ पर जितने भी जीते हुए हैं। और साथ ही साथ में मैं फिर से एक बार दिखा दूँ AM न्यूट्रिशन, AM के सारे प्रोटीन्स है, एक बार फिर दिखा दूँ मैं। सो फाइनली एक बार फिर से मैं कदीर भाई का साहब, कदीर भाई कैसे हो आप? सो कदीर भाई, आपसे मेरे को एक नॉलेज के लिए मैं फिर से एक वीडियो के लिए आया था, मैं प्रोटीन की रिगार्डिंग में। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी सारी वीडियो पे और लास्ट वाली वीडियो पे आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया था। बट मैं आया था इसलिए कि एक इंसिडेंट हुआ है हमारे जोगेश्वरी में, कि एक यंगस्टर था 17 ईयर का एज था, बता रहे थे, बोल रहे हैं कि वो प्रोटीन लेने से उसकी डेथ हुई है। नहीं, ऐसा तो मुश्किल है, होना नहीं चाहिए, प्रोटीन से तो किसी की डेथ नहीं होती है। ओके, इतने सालों से चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, वो खा रहे हैं, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है 15 साल का, मैंने खाया तो कभी ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ प्रोटीन। अगर प्रोटीन इंजरी को हेल्थ होता तो उस पर गवर्नमेंट पहले साइन देती, जैसे कि आप सिगरेट या तंबाकू खाते हो तो उस पर लिखा रहता है कि इंजरी पे हेल्थ, और कुछ सड़ा हुआ मुँह बना हुआ रहता है उस पर। आप प्रोटीन के इस पर भी अगर गवर्नमेंट FSI वाले अप्रूव कर रहे हैं तो उस पर अगर ऐसा कुछ रहता हार्मफुल तो उस पर लिखा रहता था कि आप यूज़ मत करो, या यूज़ करो तो ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उसके पीछे पूरा लिखा होता था। अभी जैसे कि आप सिगरेट का डब्बा ले लो, उसके लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग, फिर गुटखा रहता है, दारू रहता है, बहुत चीज़ का रहता है, बट प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का एक क्या वहम हो गया है कि ये खाने से पथरी होती है, क्या नॉर्मल लोगों को पथरी नहीं होती है? राइट, हाँ, मेरा भाई है वो नहीं खाता है प्रोटीन, उसको पथरी हो गई। ओके, क्यों? लीवर फेल नॉर्मल आदमी का होता है, क्यों नहीं? वो अगर तुमको अंदर से पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स है, आपने ब्लड चेक नहीं कराया है, आपको पता ही नहीं है, आपने समझो केला खाया मर गया, तो आप क्या ब्लेम करोगे केला खाने से मरता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा हो गया है कि वो लड़का जो था वो रिसेंटली मुझे जिम करता था, और
वो डेली बेसिस पे प्रोटीन क्या पता, वो तो मुझे पता नहीं एक्चुअली कि वो कौन सा प्रोटीन यूज किया, बट ऐसा बता रहे थे कि उसके टेस्टों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और उस रिगार्डिंग से उसकी डेथ हुई है। टेस्ट प्रोटीन से कुछ लेना देना नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात तो ये है कि प्रोटीन लोग लेते हैं कुछ सस्ते पैसे के लिए, 200-500 के लिए आदमी किसी से भी ले लेता है, कोई जिसका बॉडी नहीं है या जिसको नॉलेज नहीं है भाई ये प्रोटीन मैं दे रहा हूँ समझो जिम में 6,000 का, कोई और उसको वही चीज़ 5,000 में दे रहा है, 1,000 का कोई नहीं कमाता फर्स्ट ऑफ ऑल। थोड़े सी पैसे के लिए अपनी बॉडी में जब आप यूज़ कर रहे हो तो जेन्युइन चीज़ यूज़ किया करो, आप ये मत सोचो कि इसमें सस्ता 1,000 बच रहा है, बस 1,000 बच रहा है तो अंदर क्या चीज़ है वो पता होना चाहिए। अब तुमको पता ही नहीं है अंदर क्या आ रही है, मेरे को सस्ते में मिल गया, सस्ते में कौन क्यों देगा पहले तो ये बताओ। ब्रांड अपने आप को गिरा के नहीं बेचता फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझे। अब आप 500-1,000 के लिए, कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मेरे जानने वाले थे कुछ लोग, उन लोगों ने बताया सर ये प्रोटीन डब्बे चेंज होते हैं, प्रोटीन सेम रहता है और प्रोटीन का लेवल भी आप डेली जाओगे वहाँ पे 200 रुपये किलो भी मिलता है, 400 रुपये भी किलो, क्योंकि आजकल इसका मार्केट 70% डुप्लीकेट हो गया। बट आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो ना, करेक्ट है, शर्ट थोड़ी ले रहे हो कि चलो फटा रहा तो भी पहन लेंगे। ये बॉडी में जाने के बाद अंदर बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ बेकार प्रोडक्ट की वजह से। ओके, जो मिक्सअप होता है लोग क्या डाल रहे हैं तुमको पता ही नहीं, अभी इसलिए अभी हमारे पास जो प्रोटीन है हम तो लैब टेस्ट के साथ प्रूव करके देते हैं, तुमको ऐसा लगता है ये है तो लैब टेस्ट करो। एक्चुअली राइट है कि अगर प्रोटीन से अगर होता तो गवर्नमेंट ISI माफ नहीं देती थी, ISI वाले नहीं देते, सर्टिफिकेट देते हैं ना उसका, नहीं देते। अभी बीच में देखे कुछ प्रोटीन का एक ने पूरा वो किया था, FSI वाले ने उन लोग से लाइसेंस फीस दिया था, फिर लोग ने दूसरे तरीके, अभी मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत से अभी बीच में स्कैम बहुत हुए थे। अच्छा सर, तो अब मैं आपसे एक पूछूंगा कि अब यंगस्टर लोगों को क्या मैसेज देंगे, कि यंगस्टर को मैं बस ये मैसेज दूंगा कि देखो जिम करो, और आपने तो देखा ही है कि आजकल फिटनेस को कितना लोग डिमोटिवेट कर दे कि कोई अगर मर गया तो जिम नहीं करना चाहिए, ये हो गया तो जिम नहीं करना चाहिए। कोविड में भी देखा आपने कि जिम को लास्ट ऑप्शन दिया गया था लास्ट में, जबकि आप जिम करोगे आप हेल्थ कॉन्शियस बनोगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा तो आप गंदा खाना नहीं खाओगे। करेक्ट, अगर बॉडी बनती है तो आप अच्छे से अच्छा खाओगे, है ना, पिज्जा बर्गर ये सब बहुत बड़ा स्कैम है भाई। ओके, तुम देखते होगे कि तुमने कोविड में भी देखा होगा फिटनेस के लिए किसी ने बोले, तुमने देखा होगा कि जब चालू हुआ तो सबसे पहले गाड़ी की प्रॉब्लम देखने लगे, आप जिम करते हो तो लोग आके पकड़ ले जा रहे जिम में मर गए, अरे आदमी की मौत एक कभी भी आती है, जरूरी नहीं जिम करने से मरता है, चलते चलते मर जाएगा तो रोड पे रुक गया रोड की वजह से मर गया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एक डाउट ये था कि जिम में बहुत से इंसिडेंट दिखाते हैं कि ट्रेडमिल पर भाग रहा है, कोलैप्स हो गया, ये सब वो सब कैसा है ना, क्या होता है कुछ कुछ लोग जिम में जो अंडर गार्डियंस नहीं करते, उन लोगों को लगता है मैंने यूट्यूब देख लिया मैं कर लूँगा, कोई अरे वो चीज़ वो ट्रेन वो बॉडी बिल्डर ऐसा कर रहा था मैं भी करूँगा, उन लोग का एक्सपीरियंस वो चीज़ अलग है, वो लोग 10 साल से जिम कर रहे हैं, उन लोग क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे उसका आप बैकग्राउंड देखो। ओके, अभी बोलते हैं अरे सर इसमें बॉडी तो बहुत अच्छा बना लिया, तो उसके पीछे का किसी को स्ट्रगल पता नहीं, सब ये सोचते कि अरे उसने बनाया तो मैं भी बनाऊँ, अरे वो कैसा बनाया उसकी लाइफस्टाइल देखो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। अब यूट्यूब पे यंगस्टर नए नए बच्चे आते हैं डेडलिफ्ट मार रहे स्क्वाट्स मार रहे देख रहे फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं आ रही, अब हम लोग यहाँ पे कोर्स करके बैठे हैं एज अ प्रोफेशनल इतने साल से, हम बताते तो नहीं सर वो तो ऐसा मार रहा था, मेरे दोस्त ने बोला ऐसा करने का, कार्डियो करने से पेट कम होता है, कहाँ होता है, अगर ऐसा होता है कार्डियो करने से अगर पेट कम पतले हो जा रहे हो ना तो भाई कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 1.5 लाख की मशीन आती है आप ले लो जो कार्डियो करके पतले होते हैं और पूरा खानदान पतला हो जाएगा। कार्डियो करने से होगा कब होगा, जब तुम कुछ नहीं खाओगे तो कैलोरीज बर्न होगा, फैट बर्न नहीं होगा उसमें, तुम्हारा मसल डाउन होगा, स्किन लटक जाएगी, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपको वेट ट्रेनिंग करना है। भाई कार्डियो मतलब कार्डियक, कार्डियक से उसका नाम पड़ा है कार्डियो। ओके, तो कार्डियो कार्डियक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको कार्डियो करना है, तो आप पूरे मसल्स के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, हार्ट के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रोक क्यों आ रहा है क्योंकि आपने हार्ट स्ट्रॉक नहीं हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अभी जैसे हम 80 किलो का वेट लेके चल रहे हैं आज, बट मेरी कैपेसिटी है 70 के नीचे होगा तो मैं एकदम हेल्थी रहूँगा। तो मेरा हार्ट 70 kg के हिसाब से धड़क रहा है, अब मैं 10 किलो वेट डालूंगा तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो उसको आप कैसा करोगे स्ट्रॉन्ग, आपको वो कार्डियो करके करना है, वीक में 2 दिन करो कार्डियो अच्छे से, कार्डियो स्टेमिना बूस्ट होगा उससे। हाँ मोस्टली बहुत जिम में क्या बोलते हैं चलो वार्म अप के लिए कार्डियो करो, वार्म अप के लिए कार्डियो नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचता। ओके, आप जब जिम कर रहे हो वेट ट्रेनिंग तो आपको जॉइंट पे आता है सर,
तो आपके जॉइंट की मोबिलिटी बहुत जरूरी है। ओके, कार्डियो करना है, नॉट स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं, ये सब फालतू है, समझ रहे। और जो ज्यादा मोटा है, जो नहीं चलता है, उसको चलाते कि सर भाई थोड़ा चल ले, छह महीना तो पहले बुल्डअप कर ले। सो कदीर भाई, ये भी क्वेश्चन था कि अपना जो ए एम का जो प्रोटीन है, जो हम सबको सजेस्ट कर रहे हैं और अभी हम जो है प्रमोट भी कर रहे हैं ए एम न्यूट्रिशन को, तो ए एम न्यूट्रिशन जो है, मतलब जो प्रोटीन है हम यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो लास्ट टाइम देखे थे कि मैंने भी लिया था और अच्छा है, तो उसको यूज़ करने का तरीका काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है एक्चुअली, तो आप मुझे बताएंगे कि वे प्रोटीन को कितने एम एल पानी में एक्चुअली लेना चाहिए, मिल्क के साथ लेना चाहिए? फर्स्ट तो देखो, ये प्रोटीन्स हम क्यों रिक्वायर करते हैं, क्योंकि आपका डेली रूटीन में उतना प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलता है। तो अब कुछ लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो दोपहर का खाना खाया, रात में नहीं खा रहे, कोई दिन भर नहीं खा रहे, रात में खा रहे, कोई सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है। फिर आजकल देखोगे आप 30-35 में लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, है ना, लाइफ स्टाइल कमजोर हो गया, फिर क्या करते, पैसा कमाए फिर डाल दिए डॉक्टर में, जितना कमाओ डॉक्टर में डालते जाओ, करेक्ट। तो क्या होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का ये मसला है कि अगर आप चिकन अंडा वगैरह नहीं खा पा रहे हो, अगर मील स्किप हो रहा है तो एक स्कूप ले लो आप, जैसे 8 अंडे की जगह पे एक स्कूप ले लोगे, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा। क्योंकि प्रोटीन भी क्यों रिक्वायरमेंट है, जब आप जिम करते हो तो मसल अपना ब्रेक डाउन होता है, ओके, तो मसल को दवा की जरूरत है लाइक प्रोटीन, ओके, तो आप प्रोटीन डालोगे तो मसल डेवलप होगा, ओके, तब आपका बॉडी बिल्ड होगा। तो एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि हम जब छोटे थे तो एक शीट मिलती थी एग्जाम की, तो हम जो सप्लीमेंट लेते थे एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो लाइक प्रोटीन वही काम करता है, सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा। अच्छे लोग भी लेते, बॉर्न विटा क्या है, प्रोटीन है, राइट। अब कुछ लोगों को तो, सेलिब्रिटी लोग को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो बोलता है 1 ग्राम प्रोटीन मतलब जीरो कैलोरीज, पता ही नहीं है कि कैलोरीज क्या है, मतलब लोग भी सेलिब्रिटी को आप फॉलो कर रहे हो और वो कुछ भी बोल रहा है तो हाँ अरे जीरो कैलोरीज है, क्या जीरो कैलोरीज क्या है पता तो करो। हाँ करेक्ट है ये चीज है। आप, मैं तो ये एक बोलना चाहूंगा कि आप जिससे भी सजेशन लो, वो एज अ बॉडी बिल्डर हो या ये प्रोफेशन का स्मार्ट बंदा, उसी से आप लो। कोई भी मेरा दोस्त ने बोला ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा मत करो, आपकी हेल्थ है, आपको अच्छे से आपको उसको रखना है, समझे। किसी का बोलने पे कि वो ये सत्तू खाने से बॉडी नहीं बनती है, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डाइट भी क्या है, आपकी रोज की एक्टिविटी में नॉर्मल खाना घर पे तो बनता है, ओके, ठीक है। आप क्या होता है, शुगर मत लो ज्यादा, ओके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अवॉइड करो, ठीक है, जंक फूड अवॉइड करो, क्योंकि अपना डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए। अब कुछ लोग आते हैं, सर मैं खाता हूँ तो मेरे को वॉशरूम आती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म उनका। हाँ, तो आपके घर में जो गर्म मसाला बन रहा है खाने में, वो कम ऑयल में अच्छा खाओ, आपकी बॉडी क्यों नहीं बनेगी। सही है। और एक ये चीज थी कि जब यंगस्टर, मुझे एक सजेशन ये चाहिए था कि करेक्ट एज क्या है, मतलब जिम में ज्वाइन होने के लिए। ऐसा कोई एज नहीं लगता भाई, ओके, तुम छोटे से भी कर सकते हो, डिपेंड है आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, ओके। अभी जैसे कि बच्चे खेलते कूदते लटकते हो तो जिम में भी कर सकते हो, ओके, ओके। अभी आजकल देख रहे हो छोटे बच्चे लोग को क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, वो भी नहीं भेजना चाहिए। हाइट कहीं नहीं रुकती है, ओके, ये कोई वो नहीं है, कहीं से ग्रुप नहीं है कि हाइट रुक जाती है, जो नेचुरल चीज है उधर वो कोई टक्कर नहीं दे सकता। नेचुरल चीज है, आप एक झाड़ को पानी बराबर दो, उसको बॉक्स में बंद करके रखो, तोड़ के बाहर ही निकलेगा। हाँ, करेक्ट है। तो अपनी बोन्स की जो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो बॉडी की, वो तो कैसा भी बड़े कोई हाइट नहीं रुकती, कोई ऐसा मेरे को बता दो जिसकी हाइट रुकी है, ऐसा तो कोई नहीं। अभी कैसा इस चीज के कॉन्सेप्ट पे ना, जो अपने माँ बाप है जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा, उन लोगों को लगता नहीं हाइट रुक जाएगी बच्चा जीत जाएगा, हाइट बढ़ रही है। हाइट अपने हारमोन्स के ऊपर रिलीज है, GHP होता है वो बॉडी में, जब बनता है बचपन में, बनते 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 जैसा आपकी एज हो रही है, आप जवान हो रहे तो जीएच लेवल कम होता है, टेस्ट बढ़ता है, ओके, समझे। तो बोन्स जो हद तक तुमको ऊपर वाले ने दिया उतना ही हाइट होगा, तो करेक्ट है, समझे, ऐसा है। सो ये गर्ल्स के लिए भी वैसी है, सेम। देखो सबका, सिर्फ जेंट्स और गर्ल्स में हार्मोनल चेंजेस। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जिम कर लूंगा, लेडीज लोग छोड़ दूंगा, तो बोले छोड़ दूंगी तो पतली हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन खाऊंगा तो बॉडी दिखती है और फिर छोड़ दूंगा, तो सीधी सी बात है, जब कि आप अगर बराबर खाना न्यूट्रिशन खा रहे हो, नॉर्मल 3 टाइम खाना खा रहे हो, 2 टाइम प्रोटीन पी रहे हो, तो आपका मील बढ़ गया, ओके, आपने प्रोटीन बन गया, तो 2 मील को आपको वो करो ना, फिल करो वापस किसी और चीज़ से, तो नहीं उतरेगी, ओके। आप कम करोगे खाना तो ऑब्वियसली आपका बॉडी डाउन होगा। सही। और लेडीज लोग क्या करते हैं कि जिम छोड़ते हैं, हम लोग मोटे हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आप जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, समझे, जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे। हाँ। आपने जिम छोड़ दिया, घर में शादी आई, मीठा ये वो जंक फूड स्टार्ट किया, तो आप तो बढ़ोगे ना, क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई, खाना बढ़ गया आपका। हाँ। या तो एक्टिविटी कम हो रही, खाना और कम करो, कैलोरीज के डेफिशिएंसी में जाओ, करो नहीं होगा, बढ़ेगा। सो
करेक्ट है आपका ये डिटेल। तो एक लास्ट मेरे को ये बताना था, ये क्वेश्चन था, क्या ये लेडीज लोग का माइंडसेट एक है कि हमको सिर्फ और सिर्फ वेट लूज करना है, बस वेट लूज करना है, बस वेट लूज करना है, और जो मेंस होते हैं जिनको फिजिक होती है, तो लेडीज के लिए आप आइसोलेट एक प्रोटीन जो है वो लेडीज के लिए अच्छा है? देखो आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है पहले तो ये समझो, जीरो कार्ब्स। ओके, जीरो कार्ब्स मतलब उसमें कार्ब्स नहीं है। ओके, तो आप आइसोलेट कब यूज कर सकते हो? जब आप पूरे डाइट में जीरो कार्ब्स कर रहे हो। ओके, तो मैडम तो आप महंगा ले रहे हो, ठीक है, आइसोलेट महंगा आता है, आप वो महंगा ले रहे हो, एक मील में समझो प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स ले रहे हो, ठीक है, बाकी दिन तो कार्ब्स ले रहे हो ना, तो क्यों खा रहे हो भाई? ये बॉडी बिल्डर लोग ज्यादा करके बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे लेते हैं, और हाँ आप कैलोरी डेफिशिएंसी पे जा रहे हो या कुछ ऐसा अच्छा डाइट कर रहे हो जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आइसोलेट दे दे, किसी को नॉनवेज नहीं खाना पसंद है, किसी को अंडा खाना नहीं पसंद है, तो हम आइसोलेट प्रोवाइड करते हैं, बट वैसा डाइट भी होना चाहिए। ओके, और प्रोटीन से कोई पतला या मोटा नहीं होता है, प्रोटीन एक बॉडी की दवा है जो आपके मसल को रिपेयर करती है और उसको डैमेज होने से ज़्यादा बचाती है, बस स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एएम न्यूट्रिशन अगर प्योर वेजिटेरियन अगर है, तो ये अगर जो मतलब मांस मच्छी ये सब कुछ नहीं खाता है अगर, तो ये हमारा एएम न्यूट्रिशन वो यूज कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं, इसमें कहाँ है बताओ मेरे को नॉलेज, इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है ही नहीं जिसको जो नॉनवेज, इसमें नॉनवेज आपको बीफ प्रोटीन होता है वो अलाउ नहीं है अपने इंडिया में। ओके, है ना, वो तो बोल के आपको ग्रीन टी रेड टी पे पता ही चल जाएगा। ओके, समझ लो ये चीज है, तो हमारे प्रोटीन पे ग्रीन टी रेड टी होता है। ओके, तो मतलब एएम न्यूट्रिशन अगर कोई जो चीज में है वो चीज में है, जो चीज में नहीं है वो नहीं है। ओके, सीधी बात। ओके, तो एएम न्यूट्रिशन अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और एएम न्यूट्रिशन के अगर प्रोडक्ट भी आप देखोगे, तो ये वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी है, आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। प्योर नॉन वेज इसमें है ही नहीं, करेक्ट, कुछ नॉन वेज जैसे इसके अंदर है ही नहीं, फिश ऑयल है उसको आप नॉन वेज बोलोगे, क्रिएटिन है वो नॉन वेज है। ओके, क्रिएटिन भी नॉन वेज, हाँ, क्योंकि वो आपको इससे नहीं मिलता है। ओके, समझ लो, वे प्रोटीन दूध का है, वेज ही है, कहाँ है उसमें नॉन वेज, कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत सी चीजें हैं सर के कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन मैं क्लियरली बात करता हूँ, क्योंकि अपने फील्ड में सब लोग मिलते हैं, जैन आते हैं, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, कैथलिक है, जिसको अभी मुस्लिमों में भी कितने नॉन वेज नहीं खाते, तो उनको नहीं चाहिए, तो मैं क्लियर करके बात करता हूँ कि देखो ये ऐसा है, आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या दो पैसा कमाने के लिए हम किसी के धर्म या फिर धर्म तो छोड़ दो, किसी की बॉडी से मैं नहीं खेल सकता। करेक्ट है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो प्रोटीन भी लेना है तो पहले आप जिम करो, खाना पहले खाओ, मैं पहले बोलता हूँ खाने पर बॉडी कितना चेंज होता है। ओके, उसके बाद अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि आपको टाइम नहीं है तो आप प्रोटीन ले। ओके, सो मतलब आपका एक ये चीज है कि देखो, कदीर वैसे मैं इसके लिए सजेशन लेता हूँ क्योंकि वो अपने क्लाइंट के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में पूरा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उनको मतलब ट्रेनिंग में हो जाए या नॉलेज हो जाए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन भी दिया कि उनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मैंने आईडी आपको लास्ट टाइम भी दी थी, फिर से आईडी दे देता हूँ मैं। कदीर भाई आपकी एक बार फिर से आईडी बताएंगे एक बार? मेरा क्यूके द गेम चेंजर है, qk/the/gamechanger। ओके, इसके अलावा अगर ये हार्ड लग रहा है, अगर कदीर खान या कदीर आपका नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा? मे भी आ जाना चाहिए, मैंने कभी ऐसा सर्च नहीं किया। अच्छा, तो इनका फोटो है ऐसा हैंड वैसा? हाँ, मेरा जेब सेट के साथ ऐसा फोटो है मेरा आईडी पे। आईडी पे, तो आप वहाँ पर जाके सर्च करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इनको फॉलो करें यास से, और इनका अगर आपको देखना है तो बॉडी काफी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, तो आप इनको फॉलो जरूर करें। इंशाल्लाह मैं ऑफिस से ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। हाँ, ओके, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इंशाल्लाह देखेंगे ट्रांसफॉर्म करा लेंगे। हाँ, तो मैं वीडियो तो इनके साथ बनाते रहूंगा मैं, तो आगे का भी मैं इनको बताते रहूंगा आप लोगों को कैसा कैसा क्या है। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करें ये वीडियो पर, अगर आपको कुछ सजेशन लेना है कुछ भी हो बिंदास कीजिए, मैं ऑन द स्पॉट नहीं तो बाद में तो एटलीस्ट दूंगा ही आपको आंसर। ओके, इंस्टाग्राम पे जरूर इनको डीएम करें, और अगर आप जोगेश्वरी वेस्ट में अगर रहते हो बैरामबाग के साइड में, तो जिम विजिट जरूर करें, बॉडी मैकेनिकल जो जिम है, कदीर भाई यहाँ पर हमेशा जो है। जिम का टाइमिंग क्या है कदीर भाई अपने? सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक है, संडे बंद है, लेडीज लोग के लिए स्पेशली 1-3 टाइम रहता है। तो मतलब लेडीज अगर आपके घर में है, अगर वो वर्कआउट करना चाहते हैं तो स्पेशली उसके लिए टाइम है, और अगर वो कंफर्टेबल है तो वो कोई भी टाइम पे आ सकते हैं ना? ऐसा होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को एन ब्रदर्स को, और अगर कोई बैरामबा की साइड रहता है तो यहाँ पर बॉडी मैकेनिकल के पास आकर आप लोग जो है जिम चेक कर सकते हो। कदीर भाई को जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, या तो अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया रहेगा तो आप जो है कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पर, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको ट्राई करूंगा कदीर भाई से पूछ के आपको आंसर करने का। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच एक स्मॉल सा पार्ट बनाने के लिए आपकी जिंदगी का मेरे को, तो थैंक यू सो मच।